दूसरा, द जेल शुड बी स्टेबल मैकेनिकली, वो मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से आपने लिक्विड, आपने कोई भी अपना मोबाइल फोन डाला तो वो घुल जाए, उसके साथ मिक्स हो जाए, तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। दूसरा है कि उसका जो पार्टिकल साइज वो यूनिफॉर्म का हो, यूनिफॉर्म नेचर का हो। और दूसरा ये है कि उसका जो जेल का मैट्रिक्स होगा वो उसकी यूनिफॉर्म पोरोसिटी होनी चाहिए। ये कुछ इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब आप जेल को सिलेक्ट करते हो, तो ये सब चीजें आप देख लीजिए उसमें। दूसरा बोल रहे हैं द जेल यूज एज अ मॉलिकुलर सीड्स, यहाँ पे जो जेल है वो एज अ मॉलिकुलर सीड की तरह यूज किया जाए, जो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये पॉलीमर्स का बना है, तो पॉलीमर्स में क्रॉस लिंकिंग होती है, तो एक तरह से नेट जैसा बन जाता है, मॉलिक्यूल मतलब एक सीव जैसी बन जाती है। इसलिए मैंने बोला है कि जहाँ पे जो जेल है आपका स्टेशनरी फेस है वो एज अ मॉलिक्यूलर सीव की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि वो लार्ज पार्टिकल्स को अपने में से पास नहीं करने, लार्ज मॉलिक्यूल उसमें से पास नहीं हो सकते, तो उसको अलग कर रहा है, जो उसमें से पास हो सकता है उसको अलो कर रहा है अपने अंदर से पास होने के लिए, तो इसलिए वो एज अ मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करता है। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, और जो हम ज्यादातर जेल क्रोमेटोग्राफी में जो ज्यादातर हम जेल्स यूज करते हैं वो मेन तीन तरह के यूज करते हैं। एक डेक्सट्रिन है, डेक्सट्रिन में भी जो इसकी सेफाडेक्स फॉर्म होती है उसी को यूज किया जाता है। दूसरा आपका एग्रोस जेल है, और लास्ट में आपका एक्रोमाइड जेल है, जो कि एक सिंथेटिक जेल है। अगर आपको स्टेशनरी फेस जेल या रेजिन बोला जाता है तो एक ही चीज है, इसलिए मैंने बताया हुआ कि इन तीनों चीजों को हम रेजिन भी बोल सकते हैं। किसी किसी में स्टेशनरी फेस की जगह रेजिन बोला जाता है, तो ये स्टेशनरी फेस आपका रेजिन भी कहलाया जा सकता है। तो ये लिखा है, अभी मैंने क्या बताया, डेक्सट्रिन की थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बता दी कि वो होती क्या है। जो डेक्सट्रिन होता है वो होमोपॉलीसेक्राइड है ऑफ ग्लूकोरेजिड्यूज, तो ये ग्लूको रेजिड्यू का होमोपॉलीसेक्राइड है। इट इज बॉट एज अ ड्राई बीट, अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको ये बिल्कुल सूखे बीट्स में मिलता है। द बीट्स स्वेल व्हेन द वाटर इज एडेड, जब आप इस बीट्स के ऊपर वाटर को डालते हो तो ये फूलने लग जाता है। द रिजल्टिंग डेक्सट्रिन इज ट्रीटेड विद द एपीक्लोरोहाइड्रिन टू गिव अस सेवरल टाइप्स ऑफ क्रॉस लिंक डेक्सट्रिन। जब आप इस डेक्सट्रिन को एपीक्लोरोहाइड्रिन, ये आपका कोई सॉल्वेंट है, आप इसके साथ इसको ट्रीट करते हो तो आपको अलग अलग तरह के क्रॉस लिंक डेक्सट्रिन मिलता है, उसमें से एक आपका सेफाडेक्स है जो आप यूज करते हो। तो डेक्सट्रिन को जब हम एपीक्लोरोहाइड्रेट के साथ ट्रीट करवाते हैं तब जाके आपको सेफाडेक्स मिलता है, जो कि आप एज अ स्टेशनरी फेस की तरह जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हो। इट इज मेनली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ स्मॉल पेप्टाइड्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स विद स्मॉल टू एवरेज मॉलिक्यूलर साइज। आप इसे स्मॉल पेप्टाइड्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हो, जिनका साइज कैसा होगा, स्मॉल से एवरेज होगा। मतलब इसके मतलब ज्यादा लार्ज पार्टिकल्स को आप इससे सेपरेट सेपरेट नहीं कर सकते, जिनका साइज थोड़ा स्मॉल या एवरेज है उन सब चीजों की सेपरेशन आप सेफाडेक्स स्टेशनरी फेस से कर सकते हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि ये हाईली स्टेबल जेल है, ये स्टेबल रहता है pH 2 से 12 में। इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं आर फ्री फ्रॉम आइंस, ये न्यूट्रल है, इनर्ट है, इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, ये इनसॉल्युबल, इसलिए तो मैंने बताया कि ये किसी में भी सॉल्युबल नहीं है। हम ज्यादातर किस तरह के आप मोबाइल फेस यूज कर सकते हो, या तो वाटर यूज कर सकते हो या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा यूज करते हैं, और दोनों के अंदर ये किसी भी तरह से सॉल्युबल नहीं है, तो ये सही है। इसका ये मतलब ये सही चीज है स्टेशनरी फेस को स्टेशनरी फेस की तरह यूज करने के लिए। दूसरा, ये वाटर के अंदर स्वेल हो जाता है एंड अदर हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट्स, आप इसको वाटर या अदर हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट्स में डालते हो तो ये फटाफट फूल जाता है। दे रिक्वायर बैक्टीरियल साइडर्स सच एज लेड एसिटेट, लेकिन जब आप इसको वाटर में डालते हो तो स्वेल होता है, जहाँ पे भी वाटर होता है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ काफी जल्दी होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ काफी जल्दी होती है, तो दे रिक्वायर बैक्टीरियल साइडर्स सच एज लेड एसिटेट। तो इसको बचा के रखने के लिए इसके अंदर आपको लेड एसिटेट डालना पड़ेगा, जो कि एज अ बैक्टीरियल साइडर की तरह एक्ट करेगा और उसको सेफ करके रखेगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तो ये हाईली स्टेबल जेल है, इसकी pH 2 से 12 में काफी स्टेबल रहता है। इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री ऑफ आयंस होते हैं। ये वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। वाटर यहाँ पे जब आप किसी भी हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट के अंदर इसको डालते हो तो ये फूल जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, जब आपने पॉलीमर्स पढ़े होगा, तो एक तरह का हाइड्रोजेल है जो कि वाटर में किसी भी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं, बस वाटर की प्रेजेंस में आते ही फूल जाते हैं, तो ये एक तरह का हाइड्रोजेल है सेफेडेक्स। सर नेक्स्ट पेज पर दीजिए, इतना समझ आ गया, ये पेज सेकंड पेज समझ आया आपको।
सॉरी थर्ड पेज, इसमें सिर्फ मैंने जेल के बारे में बताया और उसमें से जो मेन तीन यूज की जाते हैं उसमें से किसी एक के बारे में बता दिया। अभी जो नेक्स्ट पेज है ना, उसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि अलग अलग तरह के सेफाडेक्स जो यूज किए जाते हैं, या फिर आपके पॉलीएक्रेमाइड यूज किए जाते हैं, एग्रोस और हाँ ये एग्रोस, ये अलग अलग तरह के जो आप जेल यूज कर सकते हो, जेल बीड्स यूज कर सकते हो, उन सबके मैंने नाम लिखे हुए हैं और टाइप्स बताए हैं किस टाइप का है। जैसे कि जो सेफाडेक्स है वो डेक्सट्रिन टाइप का होता है, जो बायोजेल P2 है ये पॉलीएक्रेमाइड टाइप का होता है, जो सेफ्रोज होता है वो एग्रोस नेचर का होता है, जो बायोजेल A5 है वो भी एग्रोस का होता है। अभी साथ में मैंने इसके फ्रैक्शनेशन रेंज बताई है। फ्रैक्शनेशन रेंज मतलब कि अपने में से कौन कौन से पार्टिकल्स को ये पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहला सेफाडेक्स G10 यूज करते हो, तो उसमें से 0.05 से 0.7 डेल्टन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे इसमें से पास हो जाएंगे और बाकी पास नहीं हो पाएंगे। तो इनकी रेंज बताई है पार्टिकल्स की जिनको ये अपने में से पास होने देते हैं। तो इसमें से जो भी आपको लर्न करना हो, वैसे सबसे ज्यादा जो सेफाडेक्स में यूज किया जाता है वो सेफाडेक्स 25 और 50 होता है, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो सर उसके बाद आता है आपका स्टेशनरी फेस हो गया, लास्ट में उसके बाद आता है आपका मोबाइल फेस जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो इसमें लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ अ लिक्विड यूज टू डिजोल्व द बायो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप जो भी मोबाइल फेस यूज करोगे वो एक तरह का लिक्विड है, और वो ऐसा लिक्विड होगा जिसके अंदर आपके बायो मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हो जाए। बायो मॉलिक्यूल्स क्यों बोला, क्योंकि ज्यादातर जल क्रोमेटोग्राफी से हम बायो मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो या फिर एंजाइम हो, इन सब चीजों को हम सेपरेट कर सकते हैं। टू मेक द मोबाइल फेस प्रिमिटिंग हाई डिटेक्शन रिस्पॉन्स एंड वेट पैकेजिंग सरफेस। आप जब देखो, जब भी आप मॉलिक्यूल सॉरी मोबाइल फेस यूज करो, तो आपको ऐसा मोबाइल फेस यूज करना है जिसके अंदर हाई डिटेक्शन रिस्पॉन्स हो और वो फटाफट आपके जेल बीड्स को क्या कर सके, वेट कर सके। ठीक है, क्योंकि जैसे आप अपने जेल बीड्स के ऊपर इस तरह का मोबाइल फेस डालोगे तो वो फूल जाता है, तो आपने इस तरह का डालना है जिसकी प्रेजेंस में आपके जेल बीड्स वेट हो जाए, गीले हो जाए और अपने एरिया अपने सरफेस एरिया को बढ़ा दे। तो इस तरह से आपने अपने मॉलिक्यूल सॉरी मोबाइल फेस को सिलेक्ट करना है जिसका हाई डिटेक्शन रिस्पॉन्स हो, एज वेल एज जो फटाफट आपके पैकेज सरफेस को बेट कर सके। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। दूसरा, जब आप मोबाइल फेस डालते हो तो उसके अंदर अपने बफर्स को भी एज अ मोबाइल फेस की तरह यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल बताया है, जैसे कि अगर आप सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज करते हो, अगर आप सिंथेटिक पॉलीमर अपना जेल बीड यूज करते हो, तो उसके लिए जो आपको मोबाइल फेस यूज करना है वो बेस्ट टोलिंग रहता है। अगर आप पॉली ऑल्फिन्स का यूज करते हो एज अ स्टेशनरी फेस की तरह, तो आपने उसके लिए जो मोबाइल फेस यूज करना है, जो सॉल्वेंट यूज करना है, वो आपका ट्राई क्लोरोबेंजीन होगा। अगला सर नेक्स्ट पेज कर दीजिए। अगर आप पॉली यूरिथेन तरह के जेल बीड्स का यूज करते हो, तो उसके लिए आप जो सॉल्वेंट यूज करोगे वो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड होगा। तो ये मैंने कुछ बताया कि अगर आप इस तरह का स्टेशनरी फेस यूज करते हैं तो उसके लिए जो सबसे सही सॉल्वेंट होगा वो यही हो सकता है, इसमें से आप इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद हमारी जो फोर्थ की जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है जेल क्रोमेटोग्राफी में, वो पंप है। पंप का क्या काम होता है, पंप यहाँ पे जो पंप है वो आप सिरिंज पंप भी यूज कर सकते हो और रेसिप्रोकेटिंग पंप भी यूज कर सकते हो। ये अलग अलग तरह के पंप हैं जो अवेलेबल होते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज करने के लिए। तो दो तरह के होते हैं, एक सिरिंज पंप होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने हाई कांस्टेंट फ्लो रेट से सैंपल को अपने कॉलम के ऊपर डालना है। क्योंकि जब यहाँ पे जैसे हम अलग अलग तरह की चीजें यूज करते हैं ना अपने सैंपल को अपने कॉलम के ऊपर डालने के लिए, तो यहाँ पे जो आप चीज यूज कर रहे हो अपने सैंपल को कॉलम के ऊपर डालने के लिए, वो आप यहाँ पे पंप का यूज करते हो। और पंप आपने ऐसा यूज करना है जो कि हाईली कॉन्स्टेंट फ्लो रेट का हो, मतलब हाई स्पीड से चले बट उसका जो फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आप पंप यूज कर सकते हो जेल क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद आते हैं डिटेक्टर्स जो आप यूज करते हो। ज्यादातर हम जेल क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर यूज करते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का डिटेक्टर यूज कर सकते हो, आप एक या एक से ज्यादा टाइप्स के डिटेक्टर का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने मल्टीपल टाइप का डिटेक्टर यूज किया है, तो उसमें से कोई एक डिटेक्टर क्या करेगा, सिर्फ किस चीज को इंडिकेट करेगा, इल्यूशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल। वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि सैंपल में से सारे के सारे कंपोनेंट इल्यूट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, तो
ये पहले डिटेक्टर का काम होगा, और दूसरे डिटेक्टर का काम होगा कि स्पेसिफिक कंपोनेंट के एल्यूट को बताना कि ये प्रोटीन का है, ये एंजाइम का है, ये कार्बोहाइड्रेट का है। तो आप मल्टीपल डिटेक्टर्स का यूज कर सकते हो। एक डिटेक्टर काम करेगा ये बताने के लिए कि आपके सैंपल में से जितने भी कंपोनेंट आपके सैंपल में प्रेजेंट है वो सारे के सारे बाहर निकल गए हैं, और दूसरा डिटेक्टर जो आप यूज करोगे वो स्पेसिफिक आपको ये बताएगा कि पहले प्रोटीन निकला था, दूसरा कार्बोहाइड्रेट निकला था, और उसके बाद आपका एंजाइम निकलेगा, ये निकला है। तो ये डिटेक्टर्स का काम होता है। उसके बाद बताया कि मेन दो तरह के जो डिटेक्टर्स का हम यूज करते हैं, फर्स्ट है डिफरेंशियल रिफ्रेक्टोमीटर जो कि काफी सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, और इसका ना मतलब इतना मुझे इसके बारे में समझ नहीं आया, बस मैंने इसका नाम लिख लिया कि आप अलग अलग तरह के जो डिटेक्टर्स यूज करते हो उसमें से अगर आपको एग्जाम्पल में दो के नाम बताने हो तो एक डिफरेंशियल रिफ्रेक्टोमीटर का लिख सकते हो, और दूसरा होता है आपका विजुअल एंड यूवी फोटोमीटर। ठीक है, अच्छा तो ये दो तरह के डिटेक्टर्स का हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये सिर्फ कंपोनेंट्स हैं जो हम, टाइम हो गया ना सर? हाँ, तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स आता है, और उसके बाद आप ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, एडवांटेज एप्लीकेशन, ये सब चीजें आती हैं। तो आज के लिए तो शायद इतना ही हो पाएगा, अगर इसमें से आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दें।